पृथ्वी ब्रह्मांड का सबसे सुंदर ग्रह, हमारी धरती मां, मगर यह भी संकटों से दूर नहीं थी। युगों पहले इस पर आक्रमण हुआ, दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का। चारों ओर हाहाकार मच गया। तांडव जीवन को खत्म करने पर तुला था, सत्य और शांति का बचना कठिन था। ऐसे में जीवन को बचाने वाली उस महाशक्ति को जगाने का समय आ चुका था और सारे देवतागण भगवान विष्णु की शरण में आ पहुंचे। प्रभु रक्षा कीजिए। दुष्टों के विनाश के लिए मैं सातवां अवतार लूंगा अयोध्या में राम के रूप में। ये कार्य मैं महादेव की सहायता से करूंगा। क्या मैं कुछ मदद? नहीं पार्वती, अपने 11वें अवतार में मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये कैसा रूप होगा? अनोखा रूप होगा ये, नाम होगा हनुमान। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल, दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय कंदन, त्रिकाल निरंतर लोक बंधन। महाबली महारुद्रा महाबज्जा शौर्यवान वीर हनुमान, महाबली महारुद्रा महाबज्जा शौर्यवान वीर हनुमान। शिव का 11वां रूप हनुमान यानी मैं सचमुच अनोखा था। मेरे पिता केसरी वानरों के राजकुमार थे और माता अंजनी एक शापित अप्सरा। वो शिव की बड़ी भक्त थी, शायद ये भी दैवी योजना का एक हिस्सा था। एक दिन माता अंजनी शिव ध्यान में डूबी थी कि अचानक छुआ मुझे, सामने आओ। कोई तो है। मैं हूं अंजनी। कौन हो तुम? मैं पवन देव हूं। शिव के आशीर्वाद से तुम जल्द ही एक पुत्र को जन्म देने वाली हो। तुम्हारा पुत्र अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और मुझसे भी तेज होगा। ये सब एक देवी योजना के अनुसार हो रहा है। मैं उसका धर्म पिता बनकर उसकी रक्षा करूंगा और वो पवन पुत्र के नाम से जाना जाएगा।
शुभ घड़ी आ चुकी है। श्री राम के भक्त बजरंग ने धरती पर जन्म ले लिया है। नारायण 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 नारायण। मैं स्वयं जाकर उसे आशीर्वाद दूंगा। प्रणाम। आइए पंडित जी बैठिए। हमारे बेटे का नाम क्या रखें? केसरी महाराज, आपके बेटे की जन्म तिथि बहुत ही शुभ है। आपका बेटा चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में मंगलवार के दिन पैदा हुआ है। इसके जन्म के समय सूर्यदेव मेष राशि में थे, तो इस बच्चे का नाम इसलिए मेरे विचार से मारुति होना चाहिए। मारुति, वाह कितना सुंदर नाम है। और इसका भविष्य पंडित जी? बहुत अनोखा, एक महान कार्य को पूर्ण करेगा। मुझे मिल रहा था ढेर सारा प्यार, माँ बहुत खुश थी, पर अब बढ़ने वाली थी उसकी चिंता, क्योंकि उसका नन्हा सा लाडला जितना प्यारा था उतना ही नटखट भी था। एक दिन मुझे याद है, माँ भूख लगी है, बाहर पेड़ पर देखा एक पीला रसीला सुनहरा आम लटक रहा था। बस मुझे वो आम खाना था। मैंने ठान लिया और निकल पड़ा। ये आम खाऊंगा। अरे किधर गया? अरे मारुति कहाँ उड़ा जा रहा है? सूर्यदेव की ओर अनेक हो जाएगा। पृथ्वी से कोई बालक इधर आ रहा है। आपके तेज से वो जल जाएगा प्रभु। अरुण रथ रोको। क्यों प्रभु? ये कोई साधारण बालक नहीं, शिव का अवतार मारुति है। प्रणाम। हम धन्य हुए भगवान जो आपके इस रूप में दर्शन हुए। मारुति, मारुति कहाँ चला गया ये? पवनदेव आप? रो मत अंजनी, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। जी पवनदेव। सूर्य तुम ज्यादा चमको मत। सूर्य तुम्हारे दिन को मैं रात बनाऊंगा। इस तरबूजे को मैं अभी दिखाता हूँ। तरबूजे बचाइए इंद्रदेव, बचाइए अपना सिंहासन, बड़ा भयंकर है वो आपका आसन छीन लेगा। असंभव, उसने तो सूर्य को भी वश में किया है। कौन है वो? आओ राहु, उसका सामना करते हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है राहु। मुझे फिर से आ गया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हे वज्र गज अस्त्र प्रकट हो। अरे मारुति बेटा उठो उठो, अब से पृथ्वी की सारी हवा खींच लूंगा, कोई नहीं बचेगा। और बिना हवा के पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, जीवन का नाश होने लगा। पवन रुक गई है, मैं मर रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा। यहां तक कि देवता गण भी घबरा उठे। क्रोधित न हो इंद्र, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे क्षमा कीजिए पवनदेव, मैं अपराधी हूं। उठो बेटा। माँ, आप कौन हैं?
मारुति तुम ठीक तो हो? अरे आप धन्य है ब्रह्मा जी। अब आप कृपया पृथ्वी की सारी हवा लौटा दीजिए पवन देव। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इस बच्चे का जन्म चमत्कारी योजना को पूरा करने के लिए हुआ है। सभी देव इसे आशीर्वाद दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। मेरे वज्र ने तुम्हारी ठुड्डी को हिलाकर जो किया नुकसान, हे पुत्र लो नया नाम हनुमान, अब कोई अस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे पुत्र हनुमान, रूप और आकार तुम मनचाहे बदल लो एवं मेरी अग्नि और तेज लेकर तुम चमक लो। और तुम कुबेर, असुरों राक्षसों अस्त्रों से तुम्हें मिले पूरी रक्षा, मेरा ये गदा करे तुम्हारी प्रतिरात रक्षा। हे पवन पुत्र हनुमान, स्वीकार करो मेरा ब्रह्म ज्ञान, रहो अस्त्रों से सुरक्षित, करो सदा भले काम। धन्यवाद प्रभु, प्रणाम। मत रो अंजनी। वो देखो मारुति आ गया। ये रहा तुम्हारा बेटा अंजनी। मारुति बेटा। प्रभु सीधे पृथ्वी से आ रहा हूँ। सब कुशल तो है नारद? अयोध्या में श्री राम का जन्म हो चुका है प्रभु, और हनुमान अपने गुरु सूर्य देव से शिक्षा ले रहे हैं। हनुमान तुम एक अनोखे विद्यार्थी हो। धन्यवाद गुरुदेव। बेटे हनुमान तुम मुझसे वादा करो कि वक्त आने पर तुम सुग्रीव की मदद करोगे। सुग्रीव कौन है? जल्द ही मिलोगे। प्रणाम गुरुदेव।
साधु महाराज बड़ी शांति से बैठे हैं। ठीक नहीं है, मैं उन्हें सही जगह लेके जाता हूँ। कैसे लगी ये जगह महाराज आपको? हे बालक जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। प्रभु अनर्थ हो गया। क्या बात है नारद, क्या हुआ? हनुमान प्रभु। क्या हुआ हनुमान को? उन्हें श्राप दिया गया है प्रभु। किस तरह का श्राप? वो अपनी चमत्कारी शक्तियाँ भूल गए हैं प्रभु। अब क्या होगा प्रभु? चिंता ना करें, समय आने पर और याद दिलाने पर शक्तियाँ अपने आप लौट आएंगी। नारायण नारायण। फिर भगवान ने मुझे अपने पास बुलाया, मेरा जीवन नया मोड़ लेने वाला था। प्रणाम गुरुदेव। बेटा, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता है? ज्ञान और भक्ति। ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा। ज्ञान तो तुम्हें मिल चुका है पुत्र, अब समय है भक्ति पाने का, भगवान राम से मिलने का। जी गुरुदेव। हमें अयोध्या जाना होगा। बड़ा मजा आएगा। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? भगवान ने मुझे बनाया इशारों पर नाचने वाला बंदर, और वो बन गए सबको नचाने वाले मदारी। का क्या करोगे बेटे राम? मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। पर बेटे। नहीं नहीं पिताजी, मुझे वही बंदर चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मंत्री जी। सुनो मदारी जी। सरकार, राजा दशरथ बुला रहे हैं। क्या बात है सरकार? वो चाहते हैं कि तुम ये बंदर राजकुमार को दे दो। पर सरकार, ये बंदर अपनी कीमत ले लो। बात ये नहीं है सरकार, मुझे लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या बात है मदारी? राजकुमार, आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन मदारी? आप इसे हमेशा के लिए अपने हृदय में स्थान देंगे। मैं वचन देता हूँ, पर इसे किस नाम से पुकारूं?
हनुमान। हनुमान ओ। हवा कितनी अच्छी है पर। खेल खेल में बहुत दिन बीत गए और प्रभु श्री राम से मेरा रिश्ता गहरा होता गया। अब मजा आएगा। हनुमान अब मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। हनुमान अब तुम जाओ और अपने धर्म का पालन करो। हम फिर मिलेंगे हनुमान। श्री राम नाम का जाप करते हुए मैं बड़ा हुआ। और दैवीय योजना के अनुसार मेरी भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई। आप कौन हैं? मैं हूँ सुग्रीव, किष्किंधा के राजा बाली का छोटा भाई। मैं हनुमान हूँ, अंजनी और केसरी का पुत्र। प्रणाम। चलो हनुमान, बाली भैया आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे। बाली, ये मेरे मित्र हनुमान हैं। हनुमान, किष्किंधा में आपका स्वागत है। आप सुग्रीव के ही नहीं, हमारे भी मित्र हैं। किष्किंधा में सबने मुझे प्यार दिया, लेकिन यहाँ भी भयंकर। बाली, ये मेरे मित्र हनुमान हैं। हनुमान, किष्किंधा में आपका स्वागत है। आप सुग्रीव के ही नहीं, हमारे भी मित्र हैं। किष्किंधा में सबने मुझे प्यार दिया, लेकिन यहाँ भी भयंकर राक्षसों और शत्रुओं ने उधम मचा रखा था। उस रात मायावी नाम के राक्षस ने बाली को ललकारा। नहीं तो किष्किंधा को मेरे हवाले कर। कायर बहरा, आज तुम नहीं बच पाओगे मुझसे। हड्डी पसली तोड़ डाली, तुम मेरा नाम नहीं है बाली। अकेले बचाइए भैया। भैया मैं भी अंदर चलूंगा। नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। अगर आपको कुछ। तुम यहाँ 15 दिन रुकना, अगर मैं नहीं लौटा तो समझना मैं नहीं बचा। ऐसा मत कहिए भैया। तब तुम किष्किंधा लौट कर राज्यभार संभालना। बाली का आदेश मान सुग्रीव गुफा के बाहर प्रतीक्षा करता रहा। 1 महीना बीत गया। गदाओं के टकराने का शोर भी शांत हो गया और अचानक
ओह ये क्या, हे भगवान, तो क्या आप बाली भैया नहीं रहे? दुष्ट मायावी को कैद करने के लिए सुग्रीव ने गुफा का द्वार बंद कर दिया और बाली के कहे अनुसार किष्कंधा में राज्य भार संभालने लगा। पर एक दिन धोखेबाज, तुझे राज्य का इतना ही लालच था तो मुझसे मांग लेता। भैया, बाली भैया, आप जिंदा हैं? हाँ, मैं मरा नहीं अभी तक। मुझे रास्ते से हटाने के लिए तुमने, भैया मेरी बात तो सुनिए, मैं तुम्हें मार के ही सांस लूंगा। मैं तो आपकी आज्ञा का। निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। इस राज्य में लौटा तो मार डालूंगा। मुझे ये सब पता नहीं था क्योंकि मैं तो खोया था राम जाप में। और तभी सुग्रीव मेरे पास आया और सारा हाल सुनाया। मैंने उसे शरण दी। हनुमान, तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। वो धनुषधारी कौन है हनुमान? कहीं उन्हें बाली ने तो नहीं भेजा है मुझे मारने के लिए? प्रणाम वीरों, इस वन में कैसे आना हुआ? हे ब्राह्मण, हम दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मैं राम हूं। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, भेष बदल कर आया। हनुमान, हमें तो मिलना ही था। परंतु आप इस जंगल में कैसे? हम वनवास भोग रहे हैं हनुमान, इसीलिए। हम माँ सीता को खोज रहे हैं। माँ सीता? हाँ, उन्हें एक राक्षस उठा ले गया। सुग्रीव के पास चलते हैं। सुग्रीव कौन है? मेरे मित्र, वो हमारी मदद करेंगे। तो चलें। प्रभु, हमें बहुत दूर जाना है, आप दोनों मेरे कंधों पर बैठ जाइए। सुग्रीव, ये हमारे प्रभु श्री राम हैं और ये हैं उनके छोटे भाई लक्ष्मण। प्रणाम महाराज। सुग्रीव, हनुमान ने हमें तुम्हारा दुख बताया है। मुझे आपकी मदद चाहिए प्रभु। तुम्हारी पत्नी और राज्य हम तुम्हें दिलवा कर रहेंगे। सुग्रीव, तुम्हें भी श्री राम की मदद करनी होगी। मैं वचन देता हूँ, पर भला मैं किस काम आ सकता हूँ? संकट में सब काम आते हैं। प्रभु, हम सब सीता माँ को ढूंढने में मदद करेंगे आपकी। अब जाओ सुग्रीव और अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो। बाली बाहर आओ, मैं अपनी पत्नी और राज्य लेने आया हूँ। आ कायर, अभी दिखाता हूँ। बचाओ। प्रभु, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? सुग्रीव, तुम और बाली एक जैसे लगते हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। ये माला पहन लो। और लौट जाऊं? हाँ, लौट जाओ। जो आज्ञा। सुग्रीव फिर लौट आया, अब तो तेरी खैर नहीं। कौन हो तुम? तुमने छुप कर वार किया? तुमने अपने भाई की पत्नी और राज्य को छीन कर इससे भी बुरा काम किया बाली, तुम्हें तो दंड मिलना ही था। चिंता ना करो बहन, श्री राम, मैं तुम्हारे बेटे अंगद की रक्षा करूंगा। भैया, अपने वचन के अनुसार श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। समय बीतता गया, मौसम बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज सुग्रीव उत्सव और आनंद में अपना कर्तव्य भूल गए हैं। लक्ष्मण का संयम समाप्त होने लगा और मुझे उन्हें किष्किंधा लाना पड़ा। स्वागत है, बैठिए प्रभु। सुग्रीव, अब हम और चैन से नहीं बैठ सकते हैं। मुझसे क्या भूल हुई? आपने सीता माँ को ढूंढने का वचन दिया था श्री राम को, भूल गए? हनुमान। कहिए महाराज। तुम स्वयं जाकर जंगल की सारी वानर और रीच सेना को यह संदेशा दे दो कि मैंने उन्हें तुरंत यहाँ बुलाया है। मेरा संदेश पाते ही वानरों और रीछों की भारी भरकम सेना झुंड के झुंड श्री राम के सामने आ खड़ी हुई।
चारों दिशाएं छान मारो, हमें सीता माँ का पता लगाना है। शक्तिशाली राजकुमार अंगद, जांबवंत, नल, नील, तुम सभी को दक्षिण दिशा में जाना होगा। पवन पुत्र हनुमान, क्या तुम अपनी असीम बहादुरी, धैर्य और अनंत शक्तियों के साथ इस सेना को राह दिखाओगे? मैं सीता माँ को ढूंढने का वचन देता हूं। मेरी अंगूठी ले जाओ हनुमान, सीता जी मिल जाए तो उन्हें मेरी निशानी देना, वो तुम पर विश्वास करेंगी। और फिर हमने तेजी से सीता मां की खोज शुरू कर दी। रीछों और वानरों ने जंगल के कोने कोने में जाकर देखा। हर गांव और शहर में ढूंढा, पर मां सीता का कोई पता नहीं चला। अरे वो क्या, देवी माँ, हम माँ सीता की खोज कर रहे हैं, कुछ मदद करेंगी हमारी? अवश्य, मैं तुम्हें सागर किनारे पहुंचा दूंगी जहां से वो राक्षस सीता को ले गया। धन्यवाद। पल भर में हम पहुंच गए समुद्र तट पर रास्ता कहां, यहां तो दूर दूर तक फैला समुद्र था। लगता है हम दक्षिण तट की आखिरी सीमा तक पहुंच चुके हैं। फिर भी हमें सीता माँ का कहीं पता नहीं चला। पर हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। वाह, मुफ्त में इतना बढ़िया खाना। मैं भूख से सूख कर कांटा हो गया हूँ। तुम कौन हो? मैं संपाती हूँ। तुम्हारे ही भाई जटायु ने सीता हरण के समय उनकी रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए थे ना? क्या क्या कहा? नहीं, जटायु मेरा छोटा भाई नहीं रहा। हाँ संपाती, ये सच है। प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। जटायु की तरह मैं भी आपकी मदद करूंगा। मैं जानता हूं सीता माँ कहाँ है। कहाँ है सीता माँ? वो रावण की लंका नगरी में बंदी है। लंका तो इस विराट समुद्र के उस पार है, हम उस पार पहुंचेंगे कैसे? अगर मैं इतना थका और बूढ़ा ना होता तो? मैं प्रयास करूंगा, पर पता नहीं जा पाऊं या नहीं। अंगद, ये अंतर तुम्हारी क्षमता से बहुत अधिक है। इन सब से अलग मैं विवश बैठा था, शाप के कारण अपनी शक्तियां जो भूल चुका था कि अचानक। हनुमान, क्या तुम जा सकोगे? मैं तैयार हूं, पर क्या मैं जा पाऊंगा? तुम्हारे अंदर भरपूर शक्ति और तेज बुद्धि है, भूलो मत, तुम्हारा जन्म एक दैवीय योजना के अनुसार हुआ है। अपनी असीम चमत्कारी शक्तियों को याद करो। जाओ हनुमान, लंका से विजयी होकर लौटो। हनुमान, चाहो तो मुझ पर बैठकर आराम कर लो। नहीं मैनाक, मैं पल भर भी आराम नहीं करूंगा जब तक अपने प्रभु का काम पूरा न कर लूं। मेरे मुंह में घुस जाओ, मुझे भूख लगी है। नहीं माँ, मुझे सीता माँ को ढूंढने जाना है, मुझे जाने दीजिए। नहीं, तुम जाओगे तो केवल मेरे पेट में। तो ठीक है, मैं आपके पेट में ही जाता। लो, तुम्हारी बात रख ली, अब तो जाने दो।
तुम हो बहुत चतुर। मैं तुम्हारी बुद्धि और शक्ति से प्रसन्न हुई। तुम अपने काम में अवश्य सफल होगे हनुमान। लंका एक बहुत सुंदर नगरी थी, उड़ते पंछी, झरने। मैंने चारों ओर देखा और वो मुझे सचमुच सोने की लंका ही लगी। उधर मैं सूरज देव को प्रणाम कर रहा था और वो आंख बचाकर गेंद की तरह पानी में डुबकी मार गए, और रात ने टिमटिमाते तारों से भरा अपना आंचल फैला दिया। लंका में मेरा पहला सामना हुआ स्वयं लंकिनी राक्षसी से। आज मिलेगा बढ़िया खाना। आज मेरी भूख मिटाने तैयार हो जा वानर। अक्का बक्का धूम धड़क्का। माफ करना, मेरे लिए शाकाहारी खाना ही ठीक रहेगा। तो ये है रावण का महल, पर माँ सीता कहाँ है? दुष्ट अपनी रानी के साथ आराम से सोया है। अरे, रावण के महल में राम का नाम? जय श्री राम। कौन? ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप कौन हैं? मैं विभीषण हूं। दुर्भाग्य से मैं रावण का छोटा भाई हूं। और आप कौन हैं? मैं हनुमान, श्री राम का दूत। आप? आशीर्वाद दे महाराज। उठो, उठो। मुझे दुख है कि मैं माता सीता की मदद नहीं कर पाया। चिंतित ना हो विभीषण, बताओ मुझे सीता माँ कहाँ है? अशोक वाटिका में। तो फिर आज्ञा दीजिए। अशोक वाटिका पहुंचते ही मैंने देखा राक्षसियों से घिरी श्री राम को याद करती माँ सीता। श्री राम, मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। तभी दुष्ट रावण का आगमन हुआ। सीते। श्री राम, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए। राम। भूल जाओ राम को। उसे आना होता तो वो कब का आ चुका होता। वो अवश्य आएंगे दुष्ट राक्षस, और तुम्हें दंड भी देंगे। मुझे लंका नरेश को दंड देगा वो? मत भूलो सीता, मैं चाहता तो तुम्हें जबरदस्ती अपना सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा मैं। ओ मेरे स्वामी राम, आप कब आएंगे? मैं अब और नहीं सह सकती। तुम रो मत बेटी सीता, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पति तुम्हें लेने जरूर आएंगे। धीरे धीरे पहरा देने वाली सारी राक्षसियां सो गईं, पर सीता माँ का चेहरा दुख से मुरझाया था। मैंने सोचा यही ठीक समय है माँ सीता को श्री राम का संदेश देने का। अरे ये तो मेरे श्री राम की अंगूठी है। कहीं ये कोई धारणा, कोई सपना तो नहीं? कहीं ये मायावी रावण की कोई चाल तो नहीं? हे श्री राम, कोई इशारा तो दीजिए। प्रणाम, मैं हनुमान, श्री राम का संदेशा लेकर आया हूँ। हनुमान, बताओ कैसे हैं मेरे पति श्री राम? वो दिन रात आपको याद करते हैं, पर आप चिंता ना करें, वो शीघ्र ही आपको छुड़ाने आएंगे। कैसे आएंगे हनुमान? ये महल तो राक्षसों से घिरा है। कहें तो इसी क्षण आपको
यहाँ से उड़ा ले चलूं माँ? नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगी। जैसी आपकी आज्ञा। आप कहे तो मैं कुछ खा लूं? हाँ बेटा, जैसी इच्छा। क्षमा करें, पूरी अशोक वाटिका नष्ट हो चुकी है। किसने नष्ट की अशोक वाटिका? वहाँ एक बंदर घुस आया है महाराज। एक बंदर? जी 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 जी, उसने उधम मचाकर सारी वाटिका और मीनारें तोड़ डाली हैं। जम्बुली, तुम जाओ और उस बंदर का सिर काटकर यहाँ ले आओ। जी महाराज। जम्बुली अपनी असुर सेना के साथ अधम का, पर मैं तैयार था कि कब वो आए और कब मैं उन्हें मजा दिखाऊं। कहां है बंदर का सिर? महाराज, जांबुवली का वध हो गया। क्या? अक्षय कुमार, सबसे भयंकर असुरों की सेना ले जाकर उसे पकड़ कर लाओ। जी पिताजी। जय श्री राम। महाराज, अक्षय कुमार नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, मेरा बहादुर बेटा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस बंदर को अपने हाथों से मारूंगा। आप कष्ट ना करें पिताजी, मैं वहां जाऊंगा। जाओ मेघनाद और विजयी होकर लौटो। मेघनाद एक असाधारण सेनानी था। रावण का यह पुत्र बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली और धनुष चलाने में निपुण था। जय श्री राम। बचो उसे। अरे ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसका मान रखना होगा। मैंने वही किया, जगह से नहीं हिला। ब्रह्मा जी के इस अस्त्र ने मुझे हानि पहुंचाने के बजाय मेरे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया। ओ, 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 ले चलो इसे। मैं स्वयं चलूंगा। दरबार पहुंचते ही मैंने सोच लिया कि रावण की झूठी शान को मिट्टी में मिलाऊंगा। पिताजी, ये रहा आपका बंदर। कौन हो तुम? मैं श्री राम का दूत हूं हनुमान। यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यहां सीता माँ को ढूंढने आया हूं। क्या? दुष्ट रावण, अभी भी समय है। श्री राम से क्षमा मांग लो। अपने राज्य और परिवार को जरा भी चाहते हो तो मां सीता को अभी इसी समय सम्मान के साथ मुक्त कर दो। तेरी ये हिम्मत तुझ बंदर? शिवाय नमः, सर्वनाश कर दूंगा तेरा। क्षमा करें महाराज, लंका नरेश किसी दूत को मारे आपको शोभा नहीं देता। आप इसे दंड दे सकते हैं लेकिन मौत नहीं। तो दंड मिलेगा। इसके पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उस पर आग लगा दो, तभी इसे सबक मिलेगा। सबक तो मिलने वाला था दुष्ट रावण को। सोचा इन मूर्खों का काम जरा कठिन बना दूं।
पकड़िए पकड़िए पकड़िए, लीजिए लीजिए, पकड़ लिया, देखो मजा। मंत्रियों आपके कपड़े भी। भैया ये कोई साधारण वानर नहीं है, मेरी राय में इसे छोड़ दें। क्या कहा, मैं इसे छोड़ दूं? इसकी गर्दन ना तोड़ दूं? सिपाहियों आग लगाओ इसकी पूंछ को। बेटी रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी है। हे अग्नि देवता, उसकी रक्षा करो, हनुमान को आग से बचा लो। उनकी रक्षा तो अग्नि देव करेंगे, लेकिन लंका की रक्षा कौन करेगा? लंका नगरी की चमक दमक और रावण के झूठे अभिमान को जलाकर मैं सीता मां से विदा लेने लौटा। मां, मैं प्रभु को लेकर शीघ्र लौटूंगा। श्री राम को मेरा हाल बताना और जल्दी आना। जी। उन्हें मेरी ये निशानी देना, कहना और देर ना करें, मुझे यहां से ले जाएं। हां मां, अब आज्ञा दीजिए। स्वागत है हनुमान। हनुमान जल्दी बताओ, सीता मां से मिले? हाँ जांबुवंत। हनुमान, अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र श्री राम से जाकर मिलना चाहिए। जय श्री राम। लीजिए सीता मां की निशानी। प्रभु, मां सीता रावण की कैद में है। प्रभु श्री राम ने गले लगाया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। भैया अब और देर ना करो, सीधे लंका चलो। हाँ लक्ष्मण, तैयार हो सुग्रीव? हम पूरी तरह से तैयार हैं प्रभु। क्षमा करें भैया, आप हनुमान की बात मान लेते तो लंका का सर्वनाश ना होता। सर्वनाश? भैया आप हंसिए मत, अभी भी समय है, सीता को सम्मान के साथ लौटाकर राम की शरण ले लीजिए। असंभव, ये कभी नहीं हो सकता विभीषण। भूल से भी श्री राम को साधारण पुरुष मत समझिए भैया। कायर, तो क्या तू मुझे साधारण पुरुष समझ रहा है? नहीं, दुनिया की कोई भी शक्ति राम के सामने नहीं टिक सकती। बहुत हो गया, यदि तू मेरा भाई ना होता तो तुझे मृत्यु दंड दिया होता। तू मेरा भाई नहीं शत्रु है, धोखेबाज, निकल जाओ, जाकर राम के कदमों में पड़ा रहे। हमारी सेना दक्षिण तट तक पहुंच तो गई, पर लगा सारी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि इतनी बड़ी सेना समुद्र पार कैसे करती? अब यहाँ से आगे सेना कैसे जाएगी? समुद्र देव से विनती करेंगे कि वो हमें पार जाने का रास्ता दें। प्रिय मंदोदरी। महाराज, आपकी जिद के कारण हमने अपने बेटे अक्षय कुमार को खो दिया, लंका चौपट हो गई, और अब आपने विभीषण को भी राज्य से निकाल दिया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
सीता की शादी में हुआ अपमान भूला नहीं मैं। महाराज, इतनी जिद करना आपको शोभा नहीं देता। नहीं मंदोदरी, रावण का निश्चय अटल है। तट पर बैठकर प्रभु श्री राम समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे ताकि हमें रास्ता मिले, कि अचानक महाराज सुग्रीव वो रावण के छोटे भाई विभीषण चले आ रहे हैं। प्रभु, मैं अपने भाई रावण की दुष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, उन्होंने मुझे निकाल दिया। ओ लंका नरेश विभीषण, आपकी जगह यहाँ है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आज 3 दिन हो चुके हैं, क्या समुद्र देव आपकी प्रार्थना सुनेंगे? लक्ष्मण, तो हमें दूसरा मार्ग अपनाना होगा। ओ विराट समुद्र, हमें राह दीजिए, अन्यथा मुझे बाण चलाना होगा। ठहरिए प्रभु, मैं यहाँ हूँ। प्रभु, मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हूँ, मुझे अपने गहराइयों में पलने वाले प्राणियों की रक्षा करनी है, राह देने में वो नष्ट हो जाएंगे प्रभु। पर समुद्र देव, मेरी सेना पार कैसे जाएगी? आपकी सेना में 2 कुशल निर्माता हैं, नल और नील, जो पत्थरों से लंका तक का पुल बना सकते हैं, और राम नाम की महिमा से तो भारी भरकम पत्थर भी मुझ पर तैरेंगे। मैं अपनी ओर से आपको पूरा सहयोग दूंगा प्रभु। ठीक है, पर अब इस बाण का क्या करें देव, ये धनुष पर चढ़ चुका है। धूम्रकल्प पहाड़ ही इस बाण की शक्ति सह पाएगा प्रभु। श्री राम का नाम लेकर समुद्र पर पुल का काम शुरू हो गया। समुद्र देव ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। बड़ी बड़ी चट्टाने और पत्थर डूबने के बजाय श्री राम का नाम लिखते ही समुद्र में तैरने लगे। आइए प्रभु, पुल तैयार है। जय श्री राम। और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए सारी वानर सेना आ पहुंची लंका तट पर पापियों के नाश के लिए। महाराज, महाराज, वानर सेना ने लंका में घुसपैठ कर दी है। आने दो उन्हें मृत्यु के मुंह में। क्षमा कीजिए महाराज, जब एक अकेले वानर ने लंका का सर्वनाश कर डाला तो सोचिए पूरी सेना क्या नहीं कर सकती है। माल्यवान सावधान, तुम भी विभीषण की तरह कायर बन चुके हो, शरीर के साथ साथ तुम्हारी सोच भी बूढ़ी हो गई है, दूर हो जाओ। अपने महल में खड़े होकर रावण ने जब हमारी विशाल सेना देखी तो वो दंग रह गए। लेकिन रावण को सामने देख सुग्रीव अपना क्रोध नहीं रोक पाए। जय श्री राम। मुझे मारना है ना, आओ मारो। यहाँ हूँ मैं। अपने राम के पास। प्रभु, सुग्रीव, तुम जैसे महान योद्धा ने ऐसा क्यों किया? ठीक है मेरे लिए किया, पर कम से कम पूछा तो होता। तुमने रावण पर वार किया अकेले, क्या सोचकर? क्षमा कीजिए प्रभु। सोचो, अगर तुम रावण वध अकेले कर पाते तो हमें इतनी बड़ी सेना की क्या जरूरत थी? पल भर में भावुक होकर विजय नहीं पाई जाती, जीत के लिए योजना और अनुशासन चाहिए। सेनापति, सभी प्रमुख योद्धाओं को बुलाओ। आप सबके क्या विचार हैं योद्धाओं? भैया, हमें बिना देर किए तुरंत वार करना चाहिए। नहीं लक्ष्मण, अभी नहीं। मुझे लगता है हमें रावण को अपनी भूल सुधारने का एक और मौका देना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा विचार है।
पर रावण तक मेरा संदेश कौन लेकर जाएगा? प्रभु, हमें बाली पुत्र अंगद को भेजना चाहिए, वो बातचीत और कूटनीति में माहिर है। वीर अंगद, इस काम के लिए मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है प्रभु। सफल होकर लौटना अंगद। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? राक्षस देश में एक राजदूत के साथ क्या यही व्यवहार किया जाता है? मुझे बैठने बैठने के लिए भी कहो। कहो जो तुम्हें कहना है। हाँ, पहले अपनी गद्दी तो बना लूं। हाँ, अब बात की जा सकती है। अब बता वानर के बच्चे। प्रभु श्री राम ने तुमसे युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। तुम्हें आखिरी अवसर दिया जा रहा है। तुम अपनी झूठी शान छोड़कर रावण श्री राम से क्षमा मांग लो। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। रावण, तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट होने को है। और सुनो, अगर अपने आप को बचाना हो तो सीता माँ को मुक्त कर दो और अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लो। सिपाहियों, इसे बाहर फेंक दो। ये पूजा कैसा? मेरा मुंह। वापस करो, पकड़ो इसे। इस धरती पर ऐसा कोई राक्षस पैदा नहीं हुआ जो मेरा पांव हिला सके। और अचानक रावण का मुकुट हमारी ओर तेजी से आता दिखा। प्रभु श्री राम ने वो मुकुट सम्मान के साथ विभीषण को सौंप दिया और वहां अंगद ने रावण के दरबार में बड़े बड़े राक्षसों का अभिमान मिट्टी में मिला दिया। राक्षसों के पसीने छूट गए पर अंगद का पांव था कि टस से मस नहीं हुआ। और कोई बचा है? मैं देखता हूं। अरे नहीं नहीं, मेरे पैर पर नहीं, श्री राम के पैर पर गिरना कायर। खैर छोड़ो, मूर्खों को क्या समझाना, अब सीधे रणभूमि में धूल चाटना। जय श्री राम। सीता, युद्ध छिड़ने ही वाला है। रावण ने तुम्हारे पति का शांति संदेश ठुकरा दिया है। सूर्योदय होते ही हम आक्रमण करेंगे, तैयार हो? जी महाराज। लंका को चारों दिशाओं से घेर लो। नल और नील, तुम पूर्व द्वार पर रहो। जी प्रभु। अंगद, तुम दक्षिण पर रहो। जी। हनुमान, तुम पश्चिम में। सुग्रीव, तुम सेनानियों के साथ मध्य में रहोगे। लक्ष्मण और मैं उत्तरी द्वार पर रहेंगे। योद्धाओं, युद्ध किसी भी घड़ी छिड़ सकता है। तुम पूर्व द्वार पर रहोगे। मोद्रा, तुम दक्षिण द्वार पर पहरा दोगे। मेघनाथ, तुम पश्चिम द्वार पर। नारावत, तुम चारों दिशाओं पर नजर रखोगे। और मैं उत्तरी द्वार पर शत्रु का नाश करूंगा। और इस तरह संसार का सबसे भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राम का नाम लेकर हम युद्ध के लिए पड़े थे, इसलिए दुष्टों का नाश तो सुनिश्चित ही था। फिर दो महावीर आपस में टकराए, लक्ष्मण और मेघनाथ। दोनों बड़े बलवान, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली। मैं अपनी गदा से राक्षसों का सर्वनाश कर रहा था कि अचानक मैंने देखा लक्ष्मण मेघनाथ के वार से गिर पड़े। प्रभु, मेघनाथ के अस्त्र ने इन्हें बेहोश कर दिया है। नहीं लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं मेरे भाई? लक्ष्मण, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हारे बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। प्रभु, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। मैं अमृत की खोज में धरती आकाश एक कर दूंगा। लंका से सुषेण वैद्य को ले आओ हनुमान। समय बहुत ही कम था। सुषेण वैद्य को तुरंत लाने का एक ही उपाय था। इनकी जान बचाइए महर्षि।
इसकी जान बचाने के लिए सृष्टि में केवल एक ही इलाज है। बताइए वैद्य जी। ध्यान रहे कि सूर्योदय होने से पहले ही इसे संजीवनी बूटी का सार अवश्य पिलाना होगा। संजीवनी कहाँ मिलेगी मुझे बताइए वैद्य जी। विशाल हिमालय के द्रोण पर्वत पर जरूर मिलेगी। परंतु मैं संजीवनी बूटी को पहचानूंगा कैसे? संजीवनी बूटी रात दिन चमकती है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में बहुत दूर था और समय बहुत कम। प्रणाम। क्या द्रोण पर्वत की यही दिशा है? मैं सही हूं? हाँ हाँ सही हो, पर रुककर पानी तो पी लो। वो रहा तलाव, आंखें बंद करके पीना। धन्यवाद। हाँ? धन्यवाद हनुमान, मैं एक श्रापित नर्तकी धान्यमली हूँ। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। पर हनुमान संभल कर रहो, ये ऋषि नहीं कालनेमी नाम का राक्षस है जिसे रावण ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ओ महान बानर, तुम लौट आए, आओ बैठो, मुझसे कुछ बातें करो। पर पहले मुझे तुम्हारी अच्छाई का बदला तो उतारने दो। आओ। मजा आया? इसके बाद मैं तब तक नहीं रुका जब तक हिमालय के शिखरों तक नहीं पहुंच गया। देखा, यहां तो सब कुछ ही चमक रहा था, पर उसमें संजीवनी बूटी कौन सी थी? मैंने उसी समय तय किया। पता नहीं ये हनुमान अब तक लौट कर क्यों नहीं आया। वैद्य जी, मुझे संजीवनी की पहचान नहीं थी, आप स्वयं ही देख लीजिए। उठो लक्ष्मण मेरे भाई। मेरा भाई कुंभकर्ण कहाँ है? उसे जगाओ। कुंभकर्ण लंका का सबसे भयंकर राक्षस था। उसकी नींद तोड़ना नामुमकिन था। 6 महीने सोता था वो, और उठते ही लगातार खाता था अगले 6 महीने तक। किसने जगाया मुझे? मेरी नींद क्यों तोड़ी भैया? कुंभकर्ण, राम ने लंका पर आक्रमण किया है, भयंकर युद्ध चल रहा है। लेकिन क्यों? मैंने उसकी पत्नी का हरण किया है। घोर मूर्ख हो तुम, क्यों अपना विनाश चाहते हो? मेरी मानो, लौटा दो उनकी पत्नी। कुंभकर्ण, मुझे मत सिखाओ। नहीं रावण, सत्य को युद्ध में जीतना असंभव है। कुंभकर्ण, तुम कायर हो, मृत्यु से डर है तो जाओ राम के पैरों पर गिर जाओ और छोड़ दो अपने भाई को अकेले संकट में। आपका भाई आपके लिए जान भी दे सकता है, मैं अवश्य युद्ध लड़ूंगा। कैसे हो तुम विभीषण? बड़े भैया, मुझे बहुत दुख है कि हमें विपरीत पक्षों से लड़ना पड़ रहा है। रावण ने मेरी बात मानने के बजाय मुझे निकाल दिया। विभीषण, तुम धन्य हो जो तुम्हें राम के पक्ष से लड़ने का मौका मिला। भैया जाओ, अपना धर्म निभाओ। और फिर शुरू हुई कुंभकर्ण की भयंकर विनाश लीला। वो बानर सेना पर कितनों को कुचला, कितनों को मसला और कितनों को तो चबा ही डाला। वानरों की सेना में हाहाकार मच गया। अजय,
रणभूमि से क्या समाचार है? खबर बहुत बुरी है महाराज, युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर दिया गया है। नहीं नहीं, मेरा भाई कुंभकर्ण। दुख ना करे पिताश्री, अब मैं रणभूमि में ही बदला लूंगा। मेघनाद गुस्से से आग बबूला था, रणभूमि में उसने आग बरसाई। गुस्से में आकर मेघनाथ ने सर्प बाणों से हमारी सेना पर आक्रमण किया। तब श्री राम ने गरुड़ राज को याद किया। चिंतित लग रहे हो विभीषण। प्रभु, मेघनाथ युद्ध में अपनी जीत के लिए एक यज्ञ कर रहा है। अगर वो सफल हो गया तो हमारी सेना उससे जीत नहीं पाएगी। हमें कुछ करना पड़ेगा प्रभु। मैं उसे देख लूंगा भैया। अवश्य लक्ष्मण, जाकर मेघनाथ का जप भंग कर दो। इदं अग्नेह इदं नमः, ओम धन्वंत्रे स्वाहा, इदं धन्वंत्रे नमः। ये वानर मेरे यज्ञ को भंग कर दिया। जय श्री राम। चामुंडाय नमः, पाताल नरेशाय नमः, चामुंडाय नमः, पाताल नरेशाय नमः। अहिरावण का प्रणाम। पातालपुरी के राजा अहिरावण, मैं संकट में हूँ। मैं क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज? इस युद्ध में मेघनाद और कुंभकर्ण सब मारे गए। इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ? तुम राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाकर मार डालो। उस रात मैं प्रभु की पहरेदारी कर रहा था। वो कौन है? महाराज विभीषण, इतनी रात गए? मैं समुद्र के किनारे प्रार्थना के लिए गया था, वहीं मुझे देर हो गई। प्रभु, प्रभु, हनुमान यहाँ आओ। प्रभु राम और लक्ष्मण यहाँ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्या यहाँ कोई अजनबी आया था? नहीं, सिर्फ विभीषण, प्रार्थना के बाद। मैं तो शाम से प्रभु के साथ हूँ। मुझे लगता है ये अहिरावण का ही काम होगा। वो अहिरावण कहाँ और कैसे मिलेगा? अहिरावण राक्षसों का शक्तिशाली राजा है, धरती के नीचे पातालपुरी में रहता है। जाओ, तुम कहां जा रहे हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं मगरध्वज हूं, हनुमान का पुत्र। यह असंभव है, क्योंकि हनुमान तो पूर्ण ब्रह्मचारी है बालक। एक बार झील में नहाते समय हनुमान के शरीर से टपका पसीना एक मगरमच्छ ने निगल लिया। उसे अहिरावण की रसोई में काटा गया और उस मगरमच्छ की कोख से मैं जन्मा। जीते रहो बेटे, मैं ही हनुमान हूं।
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण यहाँ बंदी हैं? पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि दो सुंदर राजकुमार यहाँ लाए गए हैं, जिन्हें आज रात देवी कामना के लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मुझे उन तक ले चलो बेटे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे स्वामी है। ये विश्वासघात होगा, प्रवेश करने के लिए आपको मुझे हराना होगा। तो फिर सामना करो। है मेरा पुत्र, तुमने अपना कर्तव्य निभाया, अब मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो। जय श्री राम। कामना, आपका ये भक्त आपके चरणों पर अपने शत्रुओं की बलि चढ़ाता है। अपनी इस अंतिम घड़ी में तुम दोनों याद कर लो अपने प्रियजनों को। मेरे प्रियजन तो यहीं पर हैं। प्रणाम प्रभु। हनुमान, वहां नीचे कौन है? ये मगर ध्वज है, मेरा पुत्र। तुम्हारा पुत्र? और वो भी इस हाल में? दुर्भाग्य से। हनुमान, इसे मुक्त कर दो और पातालपुरी का राजा बना दो। जो आज्ञा प्रभु। न्याय से राज करना पुत्र, और श्री राम को सदा स्मरण करना। अब रावण के सामने एक ही मार्ग बचा था, स्वयं हमसे लड़ने का। वो भी शिवजी का महाभक्त था। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमिदक्षवस् जय जय करुणाभे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय।
अपनी अंतिम चरम सीमा पर पहुंच चुका था। चारों तरफ तीरों की वर्षा हो रही थी, रक्त की नदियां बह रही थी, वीर मर रहे थे, मृत्यु का तांडव चल रहा था। लगता था कोई नहीं बचेगा। रावण ने अपना अंतिम आक्रमण शुरू किया। वर्षों की तपस्या से मिले वरदान और मायावी शक्तियों के बल पर रावण विजय का डंका सुनने को तैयार था, पर अचानक वो देखिए प्रभु, अरे ये किसका रथ है? इंद्रदेव ने अपनी शुभकामनाएं और अपनी दैवी शक्तियों वाले इस रथ को भेजा है, इस पर सवार होने की कृपा कीजिए प्रभु। रावण की नाभि में अमृत कलश है, उसे निशाना बनाए प्रभु। हनुमान, तुम शिव का रूप हो, मैं तुम्हें क्यों न पहचान सका। श्री राम, आप विष्णु के अवतार हो, मुझे क्षमा करना। विभीषण, हमें रावण का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक करना होगा। हनुमान, तुम नगर में जाकर विभीषण के राज तिलक की तैयारी करो। जो आज्ञा प्रभु। हनुमान, सीता मां को विजय का संदेश दो। मंगलम भगवान विष्णु विभीषण की जय हो। स्वागत है प्रभु। राजा बनते ही विभीषण ने पहला निर्णय लिया, मैं सम्मान पूर्वक सीता माता को लंका से मुक्त करता हूं और उनके कष्ट के लिए क्षमा मांगता हूं। हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण घड़ी आ गई थी जब प्रभु श्री राम मां सीता से मिलने वाले थे। महाराज विभीषण ने वस्त्र आभूषणों से सीता मां का सम्मान किया। महारानी के रूप में मां सीता श्री राम के सामने आई तो हमें लगा कि हमारा जीवन सफल हो गया, पर अचानक जैसे हम पर बिजली गिरी। मां सीता को देखकर प्रभु श्री राम तो बहुत खुश हुए, पर अयोध्या के राजा श्री राम का न्याय अभी पूरा नहीं हुआ था। सीता मां को पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा। सोना तक पिघलाने वाली अग्नि पतिव्रता मां सीता को छू भी न सकी। श्री राम ने मां सीता को स्वीकार किया। सीते, मुझे लगा वो ब्रह्मांड का सबसे सुंदर क्षण था। मेरा जीवन धन्य हो। जय श्री राम। जय श्री राम। अपने बड़े भाई श्री राम की पादुकाएं सिंहासन पर रखकर भरत ने 14 साल तक अयोध्या का राज्य संभाला था। कैसे हो मेरे प्रिय भरत? अपना राज्य संभालिए भैया। बड़े भाई के प्रति ऐसा प्रेम, मेरी तो आंखें भर आईं। प्रभु श्री राम के लौटने की खुशी में लोगों ने उत्सव मनाया, दीप जलाए। अंधेरे का साम्राज्य नष्ट हुआ था। उस रात संसार की पहली दीपावली मनाई गई, क्योंकि सबके प्रिय श्री राम ने अयोध्या का राज्य जो संभाल लिया था। पवन पुत्र हनुमान, मेरी ये भेंट स्वीकार करो।
इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें? हनुमान, इस माला का हर मोती एक एक राज बराबर मूल्यवान है, और तुम इसे तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हो। ये माला दूसरों के लिए मूल्यवान हो सकती है विभीषण, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो उस वस्तु की कोई कीमत नहीं जिसमें श्री राम नहीं। पर हनुमान, तुम्हारे अपने शरीर का क्या? क्या इसमें श्री राम की छवि है? मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ वीर हनुमान। तो दीजिए मेरा स्थान। मेरे लिए तो श्री राम के चरणों में मिला स्थान ही सर्वश्रेष्ठ था। भविष्य में भी धरती माँ को दुष्टों से बचाने के लिए तुम अमर हो हनुमान। जो आज्ञा हनुमान, मैं सदैव यहीं रहूंगा, दुष्टों के विनाश के लिए, धरती माँ की रक्षा के लिए। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक बंधन। और जग देखे